नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते। बैकुंठपुर की गरीब जनता ने आज फिर से अनुविभागीय अधिकारी एवं नायब तहसीलदार सर्किल बैकुंठपुर को आवेदन पत्र कई सैकड़ों की तादाद में पुरुष एवं महिलाएं कार्यालय की समक्ष आकर सुबह 10 बजे से 5:30 बजे तक बैठे रहे और अड़िग रहे। मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बैकुंठपुर की दोनों दुकानें कोटा में सेवा सहकारी समिति बैकुंठपुर दुकान 25,03,004 एवं विपणन सहकारी समिति बैकुंठपुर दुकान 25,03,005 20,12,12,023 समस्त बैकपुर की जनता को फरवरी एवं मार्च जहां 2023 पुर के उपभोक्ता को नहीं मिला है। लगभग 500 किवंटल एवं कोटेदार शैलेंद्र मिश्रा बैकुंठपुर के समस्त हितग्राही की जब तक गल्ला खाद्यान्न न मिल जाए तब तक कोई भी दुकान समूह को आवंटित नहीं किया आते। अगर ऐसा हुआ तो समस्त बैकुंठपुर के उपभोक्ता धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। फरवरी एवं मार्च माह 2023 की खाद्यान्न नहीं मिला अनुविभागीय कार्यालय सिरमौर में। इस पूरी जांच रिपोर्ट की फाइल ठंडे बस्ते में रख दी। अभी तक बैकुंठपुर के समस्त उपभोक्ता 2023 माह का खाद्यान्न निराकरण नहीं हुआ है। 10 माह बीत गए, न तो गरीबों को खाद्यान्न मिला और न तो जांच हुई है। गरीबों को खाद्यान्न जल्द से जल्द एक माह के अंदर दिलाया जाए, नहीं तो धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। बीती जिला और से आ के अंदर दिलाचा आए, नहीं तो घटना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, आज हम देश न्यूज में बिंदबाद में वीरेंद्र मिश्रा, जैसा कि आज तहसील में माननीय तहसीलदार महोदय आंचल अग्रणी से वार्तालाप करने जा रहे हैं। संबंधित आज वार्ड क्रमांक 15 और 5 के आम जनमानस गरीब जनता बैकुंठपुर की यहाँ पर ज्ञापन सौंपी है, जो कि अभी तय भी रहे थे धरना प्रदर्शन करने जाएंगे। पुलिस इंस्पेक्टर भी बंद्रा मिश्रा भी बैठी हुई हैं, साथ ही इन्होंने पहले सेल्समैन कौन थे, उस सेल्समैन के ऊपर कार्रवाई हुई या नहीं हुई, जो उन्होंने गल्ला का खपत किया, कालाबाजारी किया, उसको वापस कैसे करा करके जनता को लाभ कैसे मिलेगा। आइए हम बात करते हैं मैम से। मैम, आज आपके इस तहसील में बैकुंठपुर के आम गरीब जनता बैठी हुई है, आपको ज्ञापन भी देने आई है, किसके संबंध में है, इसमें क्या कह रहे हैं? आज ये बैकुंठपुर की जनता जी खाद्यान्न वितरण में हो रहे अनियमितीकरण के संबंध में जनता यहाँ पे उपस्थित हुई थी। उनका कहना है कि फरवरी मार्च में 2 माह का खाद्यान्न उनको नहीं बांटा गया है और सारी जानकारी उनसे ले ली गई थी पूर्व में भी, मगर आज दिनांक तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस संबंध में वो सभी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। इस संबंध में हमने फूड इंस्पेक्टर वंदना जैन को भी यहाँ बुला रखा है, उनसे भी बात किया है हमने, और पूर्व में भी शायद जो पूर्व के सेल्समैन थे शैलेंद्र मिश्रा, उनके ऊपर जो भी कार्यवाही हुई या उनके ऊपर जो भी जांच हुआ उस संबंध में हम इसमें परीक्षण भी कर रहे हैं, और जो भी होगा जैसा भी होगा नियमानुसार कार्यवाही कर परीक्षण कर आप सभी को इस जानकारी के बारे में अवगत करवा देंगे। निश्चित तौर पर जनता को आश्वस्त कर करके भेजा है, आशा उम्मीद है कि उन पर निश्चित तौर पर आम जनमानस गरीब जनता पर सही न्याय होगा। तब तक ले जाना चाहते हैं। धन्यवाद वीरेंद्र मिश्रा की।